देश और दुनिया की तमाम 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कर्नाटक के लिए पीएम मोदी ने देर रात जारी किया वीडियो संदेश। वीडियो में पीएम मोदी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। वीडियो संदेश में बोले पीएम मोदी, आपके सपने मेरे सपने मिलकर करेंगे पूरा। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक के लोगों का बेहद प्यार मिला, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनना तय। कर्नाटक चुनाव से एक दिन पहले सामूहिक पाठ का आयोजन, आज पूरे देश में वीएचपी करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। देश के सभी मंदिरों में होगा हनुमान चालीसा का पाठ, वीएचपी और बजरंग दल ने किया भव्य आयोजन। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। बंगाल को कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, गृह मंत्री ममता के गढ़ में शाह भरेंगे हुंकार। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भागवत संघ के प्रशिक्षण शिविर में लेंगे हिस्सा। गुजरात में 5 दिन रहेंगे मोहन भागवत, शिविर में आए स्वयं सेवकों का करेंगे मार्गदर्शन। पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरा, माउंट आबू में रहेंगे राहुल। राजस्थान दौरे का कर्नाटक चुनाव से कनेक्शन, प्रवासी राजस्थानी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस को संप्रभु कहने पर सोनिया की शिकायत, ईसी ने कांग्रेस अध्यक्ष से मांगा जवाब। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, भूपेंद्र यादव ने के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी की मांग रद्द हो कांग्रेस की मान्यता, हुबली रैली के बाद कांग्रेस ने लिखा था कर्नाटक की अखंडता पर नहीं आने देंगे आज। आज ओडिशा दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। विपक्षी एकजुटता पर चर्चा करेंगे नीतीश कुमार, कल पवार और उद्धव से मुलाकात करेंगे नीतीश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जांच के दिए आदेश, अदालत पहले मानहानि की शिकायत की करेगी जांच। अहमदाबाद कोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता सबूत पेश करे, 20 मई को अगली सुनवाई। आज यूपी का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। कानपुर बांदा और चित्रकूट में रैली करेंगे सीएम योगी, मेरठ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष करेंगे चुनाव प्रचार। कानपुर पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, हनुमान मंदिर में की पूजा, मेयर प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। यूपी के कानपुर में एसपी को बड़ा झटका, सुनील शुक्ला ने की बीजेपी ज्वाइन। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में आप ने की सीएम भूपेश की गिरफ्तारी की मांग, राहुल गांधी से भी पूछताछ के लिए उठाई आवाज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का MiG-21 क्रैश, घर पर गिरा फाइटर जेट, दोनों पायलट सुरक्षित। विमान हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 5-5 लाख का मुआवजा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, राजस्थान सरकार देगी 5-5 लाख। अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका, स्वर्ण मंदिर के पास हुआ विस्फोट, ब्लास्ट से लोगों में दहशत। ब्लास्ट में IED इस्तेमाल की आशंका, पुलिस की लापरवाही भी आई सामने। किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर कई योजनाएं भी अचूक, वैज्ञानिकों ने धान के नए किस्म का किया आजाद, 120 दिनों में पककर होगी तैयार। धमाके के बाद मौके पर पहुंची FSL की टीम, ब्लास्ट की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के धनी LK पंडित को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिलीफ कैंप में खाने और चिकित्सा की व्यवस्था हो, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
मुख्यमंत्री की पहल पर मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से 5 हिमाचली छात्र सुरक्षित निकाले गए। छात्रों ने संदेश भेजकर मुख्यमंत्री से की थी सहायता की अपील। सीएम अशोक गहलोत की पहल, मणिपुर में फंसे छात्रों को 2 विशेष विमानों से जयपुर लाया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा सभी को सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। ताजपुरी मर्डर केस के आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने किया गया पेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 12 मई तक हिरासत में भेजा, स्पेशल सेल ने मांगी थी 7 दिन की हिरासत। तिलू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल प्रशासन सख्त, तिहाड़ के हर जेल में QRT की 2-2 टीम गठन, हर टीम में होंगे 8 जवान। जेल में पहली बार अब AK-47 से लेस QRT होगी तैनात, गोली मारने का भी होगा अधिकार। यूपी के मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारी गोली, मौके से आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में गबाना टोल प्लाजा पर दबंग का उपद्रव, दबंग ने टोल कर्मियों की लाठी डंडों से पिटाई की। यूपी के बरेली में अतीक अशरफ के गुर्गों का वीडियो वायरल, बर्थडे पार्टी में तमंचे से कर रहे फायरिंग। शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच करने पहुंचे SIT, मुठभेड़ स्थल का लिया जायजा। यूपी के आगरा से नैनीताल घूमने गया परिवार लापता, 15 अप्रैल को परिवार के 8 लोग घूमने गए थे नैनीताल, पुलिस की तलाश जारी। यूपी के कासगंज में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को फिलहाल राहत, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को 2 करोड़ और बायर्स को 5 करोड़ चुकाए, 15 जून तक 19 करोड़ और देंगे। यूपी के अमरोह में चोर ने साइबर कैफे को बनाया निशाना, चोर CCTV कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बेगूसराय में कई जगह पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में संजय झा के समर्थन में लगे नारे, RJD छोड़ JDU में आए अशरफ फातमी, बोले हम किसी से कम नहीं। बिहार के नवादा में JDU नेता के घर मिला हथियारों का जखीरा, मुखबिर सहित 3 गिरफ्तार। पटना सिटी में युवक की आत्महत्या को लेकर सड़क जाम और आगजनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मृतक को सड़क पर रखकर न्याय की मांग। बिहार के मोकामा में डूबने से भाई बहन की मौत, गंगा में नहाते समय घटी घटना। बिहार के नवादा में JDU नेता को फंसाने वाले मुखिया सहित 3 गिरफ्तार, आरोपियों से हथियारों का जखीरा बरामद। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 4 बदमाश घायल। मध्यप्रदेश के इंदौर में पुलिस हिरासत से भागे नाबालिग की हुई मौत, रेलवे ट्रैक पर मिली बॉडी, DCP ने ASI और संतरी को किया सस्पेंड। मध्यप्रदेश के उज्जैन में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम, घर के आगे ढोल बजाकर अपराध छोड़ने की दी चेतावनी। सतना के कोटा तहसील में घूसखोर पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, किसान से की थी पैसे की मांग। इंदौर के चौथराम हॉस्पिटल से प्रशासन ने एयरलिफ्ट कर भेजा दिल्ली, 4 महीने के मासूम के दिल में 2 छेद। महाराष्ट्र के अमरावती में बस और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दबंगों ने दुकानदार को पीटा, दुकान में घुसकर किया जानलेवा हमला, कई मोबाइल भी लूटे। चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में गर्भवती महिला से मारपीट, ससुराल वालों ने बहू और मां बाप पर सड़क पर किया हमला, केस दर्ज। गुजरात के सूरत में डंपर और कार की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। गुजरात में बीजेपी उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, आरोपियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। झारखंड में लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, 2 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 4,000 ग्रामीण पहुंचा कलेक्ट्रेट, कई मांगों को लेकर निकाली पैदल रैली, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में DSP के साथ मारपीट, पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस अधिकारियों और इंटर्न डॉक्टर के बीच हुआ विवाद, FIR दर्ज कर जांच जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में हिमस्खलन, श्रीनगर लेह मार्ग पर ट्रैफिक रोका गया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट।
बद्रीनाथ धाम में पिछले दो दिनों से हो रही बर्फबारी, भारी तादाद में बद्रीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 35 नए मामले, दो मरीजों ने तोड़ा दम। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में लगी आग, अब तक 30,000 लोगों ने घर छोड़ा। रविवार शाम तक 108 जगहों पर जंगलों में लगी आग, 31 जगहों पर स्थिति कंट्रोल से बाहर। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर टैंकर का किया जा रहा इस्तेमाल, बचाए गए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। युद्ध पर बोली यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीवाद को हराया गया था, हम भी रूस को उसी तरह से हराएंगे। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस की ओर से भेजे गए 35 ड्रोन किए गए तबाह, वीडियो सामने आया। ब्राजील के टेक ऑफ से पहले विमान के इंजन में लगी आग, मचा हड़कंप, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। आईपीएल में आज मुंबई और बेंगलोर के बीच मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने पंजाब को 5 विकेट से हराया, रिंकू के चौके से आखिरी बॉल पर जीता केकेआर। कोलकाता को आखिरी दो ओवर में बनाने थे 26 रन, 19वें ओवर में रसल ने 20 रन की बनाकर जीत हासिल। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर रसल हुए रन आउट, आखिरी बॉल पर चौका मारकर रिंकू ने दिलाई जीत। नीतीश राणा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 38 बॉल पर 51 रन बनाए, रिंकू सिंह ने 10 गेंद पर बनाए 21 रन। कोलकाता के कप्तान राणा ने लिया पंजाब के कप्तान शिखर धवन का विकेट, 15वें ओवर की 4थी बॉल पर धवन ने किया आउट। पंजाब की तरफ से कप्तान शिखर धवन ने खेली 57 रनों की पारी, शाहरुख खान ने 9 गेंदों में बनाए 21 रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ईशान किशन का चयन, राहुल की जगह ईशान टीम में शामिल। उमेश यादव और जयदेव उनादकट भी चोटिल, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट तय नहीं, 7 जून को खेला जाएगा WTC फाइनल। पाकिस्तान ने दो दिन में ही गवाया ODI नंबर 1 पोजीशन, न्यूजीलैंड 47 रन से जीता 5वां वनडे, हार के बाद रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंचा पाकिस्तान। इंडियन स्पाइडरमैन की आवाज बनेंगे क्रिकेटर शुभमन गिल, हिंदी और पंजाबी में करेंगे डबिंग, 2 जून को रिलीज होगी फिल्म। द केरल स्टोरी ने तीसरे दिन कमाए 16 करोड़, ओपनिंग वीकेंड पर 2023 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, अब तक कमाए 35 करोड़ 25 लाख रुपए। फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, द केरल स्टोरी एक मनगढ़ंत कहानी, ये फिल्म एक वर्ग को अपमानित करता है। पश्चिम बंगाल में फिल्म के बैन पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन करना अन्याय है, तुष्टिकरण बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, फिल्म में जो बताया गया है ऐसा केवल केरल ही नहीं भोपाल में भी होता है। सिर्फ एक बंदा काफी है का ट्रेलर रिलीज, वकील के दमदार रोल में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, 23 मई को G5 पर होगी रिलीज। फोटोग्राफर की मां से मिली आलिया भट्ट, डाउन टू अर्थ नेचर देख फैंस हुए खुश। बांद्रा में स्पॉट हुए राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, कैजुअल लुक में आए नजर। ऑल पिंक लुक में नजर आई अनन्या पांडे, बाल्टी जैसा बैग कैरी करने पर हुई ट्रोल। बेटे तैमूर संग स्पॉट हुई करीना, मां बेटे की जोड़ी लोगों को आई पसंद।